दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करेंगे आने वाले मतलब कुछ दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। देखो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है और क्यों बना रहा हूं, पहले इस बात को समझो। अच्छा, सबसे पहले डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन में जो इस वीडियो को देखते हैं उनको पता है ये मेरा पर्सनल व्यू होता है जो मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक निकालता हूँ। ठीक है, इसमें किसी का ये नहीं होता, किसी को फायदा होता है देखो और देखना चाहेंगे, नहीं होता मेरी बात को नहीं मानना चाहेंगे। ठीक है, ये बात गलत भी हो सकती है। ये सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, क्यों? पैसा आपका है, पैसे को सेव कौन कर सकते हो? आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपका पैसा है, मेरा पैसा नहीं है। ये चीज आपने ध्यान रखनी। तो देखो मैंने आपको एक पीरियड बताया था, 12 फरवरी से 7 मार्च को मैंने बोला था ये पीरियड आपका मंदी का रहेगा। आपको ध्यान हो, 12 तारीख से मार्केट गिरा, 7 तारीख तक गिरा, 8 तारीख से तेजी हो गई। तो जब आपको मंदी का बताया था उसमें लेवल भी बताया था कि 16,000 के करीब आएगा आपका निफ्टी, उसको वीडियो को आप लोग देख सकते हो, वो मंथली वीडियो था। अभी आपकी डिमांड थी, मैंने बोला 1,500 ये लाइक हो जाएंगे तो मैं आपका मंथली वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने मंथली तो बनाया नहीं था, तो अभी कुछ पीरियड आ रहा था जो मंदी का है थोड़ा, तो मैं बोला आप लोगों को इसमें आगाह कर देता हूं पहले से, तो वहां आप देखना। ऐसा नहीं मेरी बात के पीछे 100% हो गए भैया लगा दो पैसा। देखो कुछ सिम्टम्स मिले, कुछ लेवल टूटे, कोई चीज ऐसी हो, फिर आप काम कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है ये 22 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक क्या मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहां मार्केट डाउन रह सकता है। मतलब हर रोज मार्केट डाउन नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूं, पर इसमें मैक्सिमम टाइम ऐसे आ रहे हैं जो रिपीटेड है। दूसरा यहां पे देखो, ये 22 मार्च भी राहु की डेट है, 4 मार्च भी राहु की डेट है, ये दो डेट आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मेरा मानना क्या है कि 17,000 या 16,800 के करीब करीब यहां आना चाहिए। मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि पहले निफ्टी को किधर जाएगा, ये लेवल है एक 17,600 या 550 के करीब करीब तक। ठीक, इसके बाद इधर आना चाहिए। अब नहीं आता, जबरदस्ती नहीं है, 600 को क्रॉस करता है हम बाइंग साइड हो जाएंगे, पहले बता रहा हूं। जब तक 600 के ऊपर है, 550 के ऊपर है, मार्केट कोई पुट नहीं लेगा। इसके कहीं नीचे आता है फिर आप सोचो, आपको लगता है हाँ भाई मंदी होगी, 20% ले लो, अगले दिन नीचे खुल जाता है फिर ऑल ले लो, क्योंकि हमारा ये पीरियड मंदी का है ना भाई, पीरियड मंदी का है। ये नहीं कि मैंने खरीद ली थी गुरुजी मैं लेके बैठा हुआ हूं, भाई क्यों बैठे हो? कोई इंडिकेशन मिले मार्केट में, कोई लेवल टूटे, कुछ तो हो। बाकी मैं आपको बता ही देता हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, इसको सर्च कर लो, अगर कोई उसमें चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इस पीरियड की बात कर रहे हैं। ये पीरियड की बात हो गई कि यहां तक आ सकता है, सकता है, आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं भाई, फिर बोल रहा हूं मैं। अब 23 और 24 मार्च को हम चेक करेंगे। मैंने कुछ आपको बताया था कि मेरे को ध्यान दिलवाना, वहां कुछ योग बनेगा, उसकी बात हम करेंगे। वो बात ऐसी थी कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, देखो कुछ गणनाएं होती हैं ज्योतिष के अंदर, जैसे जब इसको 27 दिन हो जाएंगे ना युद्ध को, इसका मतलब जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, जो 27 नक्षत्र हैं मून उनको क्रॉस कर चुका होगा, मतलब जहां से शुरू हुआ वहां आ गया। अगर ये युद्ध 23-24 तक बंद नहीं होता, ये युद्ध बढ़ेगा और ये भयंकर तबाही करेगा, भयंकर मतलब ये इसमें और भी कंट्री शामिल होंगे। अगर ये यहां तक बंद नहीं होता है तो फिर इस पीरियड को हम देखेंगे और इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो हम बात करेंगे, बात समझ गए? और भी कई गणना होती हैं, वो बेकारी आप लोगों को बताते रहो, कोई उनसे सिद्ध नहीं होता है ना। तो मेरा मानना ऐसा है कि कुछ एक चीजें होती हैं,
देखो मैं एक चीज एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे किसी आदमी के ग्रह खराब है कुंडली में, उसको मृत्यु के योग है, भाई ये बंदा इतने तारीख को जब 44-45 का होगा खत्म हो जाना चाहिए, तो कोई भगवान तो है नहीं कि ये आदमी खत्म होगा कि नहीं होगा, कोई भगवान है नहीं है। तो वहां होता क्या है कि जो ग्रह होते हैं ना, जो ग्रहों वीक होते हैं या उनकी दशा और अंतर दशा आती है, वो कट चुकी होती है, मतलब रिपीटेड हो चुकी होती है 60 साल, 60 साल के बाद भी आती है, पर आप देखोगे जैसे 60-70 साल निकल जाएंगे तो आदमी 20-20 साल और जी जाते हैं ऊपर की तरफ। उसका कारण क्या होता है कि जो अशुभ ग्रह थे, जिनकी दशा खराब थी, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी बड़ी हो गई, वो सारी कटने के बाद फिर आदमी जी जाता है। ऐसे ही गणना इसकी की जाती है। तो होता क्या है कि जैसे मून जो है आपका 27 नक्षत्र में घूम गया और जो चीज चल रही थी वो चलती रह गई लगातार, तो वो फिर कहीं ना कहीं एक भयंकर कारण बन जाती है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक कारण बन जाती है। क्या कारण बन जाती है कि ये युद्ध और लंबा चलेगा। मेरा एग्जांपल समझ गए ना जो मैं बताना चाह रहा था आपको? तो बस हम इतनी सी बात कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।